श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। साधकों के पास धन की बड़ी कमी रहती है, मैंने देखा है। कुछ तो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। कर्म से बचने के लिए बहुत लोग साधना में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के अघोर पंथ में कहावत है कि अगर 100 अघोरी हैं तो उसमें से 50 अपनी ही धर्मपत्नी से उत्पीड़ित होकर के आते हैं, मतलब परिवार से, ठीक है। बाकी जो आधे बचते हैं वो कोई क्राइम करके भागे होते हैं तो वो समाज और पुलिस की नजर से बचने के लिए भागते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ शराब मुफ्त में मिलती है घोर पंथ में, तो फिर वो शराब पीने के लिए आते हैं। और जो 1% बचते हैं वो साधक होते हैं। अभी साधक इतनी तरह की साधनाएं करता है कि धन की साधना करने का उसके पास समय नहीं रहता है। देखो, एक तो वो साधक है जो खुद के लिए साधनाएं करता है, एक वो साधक होता है जो विश्व के लिए साधनाएं करता है, जो और लोगों की भलाई हो ऐसी साधनाएं करता है। तो ऐसी साधनाएं करने में उसके अपने धन का बड़ा क्षय होता है। मैंने पहले भी ऐसी साधनाएं दी हैं महादेव की, जिससे कि आपका धन भाव जो है वो स्टेबल रहे। क्योंकि हमेशा से मैंने बोला है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो आपका मैटेरियल लाइफ अच्छा होना चाहिए। देखिए, आप अगर सनातन धर्म में जाएंगे ना तो जो भी ऋषि है ना, तो ऋषि हमेशा शादीशुदा होता था, ठीक है, हमेशा शादीशुदा होते थे वो। कोई आप ब्रह्मचारी, एक हनुमान जी को ब्रह्मचारी जान लो, मतलब ब्रह्मचारी तो गिनती भर होते थे, बाकी सब जो थे वो चाहे देव हो, देवता हो, गण हो, यक्ष हो, सबकी धर्मपत्नियां होती थी, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये बताया गया कि हमेशा वो जो बैलेंस है यूनिवर्स का, उसको मेंटेन करना चाहिए। कुछ लोग इस ये जो मेंटेनेंस है इसमें पुराने जीवन में इन्होंने अपना वो कर्म काट लिया है तो वो इस जीवन काल में ब्रह्मचारी हो जाते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मचार्य खुद आता है, साधना पथ खुद आता है, साधुत्व खुद आता है। जबरदस्ती खुद पे थोप लेने से कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है तो आपका मेटेरियल लाइफ अच्छा होना चाहिए। मेटेरियल लाइफ किससे अच्छा होता है? एक तो अच्छे स्वभाव से, दूसरा धन से, क्योंकि आज के डेट में हर चीज धन से ही प्राप्त होता है। अब आपका मेटेरियल लाइफ बैलेंस होगा तो आपका मेंटल लाइफ ठीक रहेगा, मतलब जो जरूरत की सामान है, जो सामग्री है, वो आपको मिलता रहे तो आपका मेंटल लाइफ भी ठीक रहेगा। और जैसे मेटेरियल और मेंटल आपका सही हुआ, आप स्पिरिचुअलिटी में निस्फिक्र होकर के जा सकते हैं। तो आज से दीपावली तक मैं कई ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको साधनाएं बताऊंगा। आपने बीच में छोड़ा तो फिर मेरा उसमें कोई सहभागिता नहीं होगा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे अभी से लेकर के आप दीपावली तक साधना करें। दीपावली के बाद बहुत तरीके से आपके पास धन का धन आता रहेगा। अब आते हैं साधनाओं पर। देखो, ब्राह्मण को कहा जाता है कि ब्राह्मण के पास धन नहीं रहता क्योंकि वो शंख फूंकता है। ये एक मजाक है, क्योंकि शंख जो है वो लक्ष्मी का भाई है, वो समुद्र मंथन में निकला था। लेकिन साधक के पास धन नहीं होने का कारण है, हम में से बहुत सारे साधक माता लक्ष्मी कहते हैं। देखो, माँ भगवती देवी दुर्गा है, ठीक है, वो भगवती हैं और उनका सारा रूप है, लेकिन हर रूप को अलग अलग तरीके से पूजना चाहिए। लक्ष्मी को अगर आप माँ के रूप में पूजेंगे तो वो आपको स्नेह देगी। आप अपनी माँ से किस चीज की अपेक्षा करते हो? स्नेह की अपेक्षा करते हो। तो सिर्फ स्नेह अगर आपको चाहिए तो आप लक्ष्मी की पूजा माँ के रूप में करो। पत्नी के रूप में आप इनकी पूजा कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो फिर आपकी सहभागी हो जाएंगी, मतलब आपका जो वो उनका, ठीक है।
ये जरूर नहीं है कि उनका जो है वो आपका। तीसरा रूप होता है जो कि विश्वामित्र ने अपने एक तंत्र में बताया था, प्रेमिका के रूप। प्रेमिका के रूप में अगर आप लक्ष्मी को स्थापित करते हैं, साधकों के लिए बोल रहा हूँ, गृहस्थ साधकों के लिए, तो वो आपके घर से बंध जाती हैं, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका का एक ऐसा संबंध होता है जो कि एक दूसरे पे सब कुछ निछावर करते हैं। एक विषय और है, मैंने पहले भी बताया है, जब ब्रह्मा जी के बारे में बता रहा था, जब महादेव के बारे में बता रहा था, जब महाकाली के बारे में बता रहा था, तब भी आप लोगों को मैंने एक चीज समझाया था कि जब आप देवी देवताओं के बारे में बात करें तो ये एनर्जी फॉर्म्स है, ये शरीर नहीं है, ठीक है। तो आप अगर शब्द प्रेम समझे तो उस भावना से जुड़े, उस कॉन्शियसनेस से जुड़े, ठीक है। तो प्रेम का भाव अगर आपका लक्ष्मी के प्रति है तो फिर लक्ष्मी आपके घर में बंद के रहेगी। इसका एक तंत्र प्रयोग है जो मैं आपको, जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए क्या है, अभी अगर आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए एक मंत्र है, ठीक है। वो मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः, ठीक है। आप एक कमल गट्टे का माला ले लीजिए और आज से 45 दिन तक, ठीक है, सिर्फ इस मंत्र का जाप कीजिए, कमल गट्टे के माला से ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। एक तस्वीर रख लीजिए, जो जैसे आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं उसी तरीके से इस मंत्र का आप पूजा करेंगे, ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। इतना ही नहीं, एक काम और करना होगा, आपकी जो धर्म पत्नी है उनको विष्णु जी की पूजा करने बोलिए। आप जैसे लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आप तंत्र साधना कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए घर में विष्णु का पूजा होना बहुत अनिवार्य है। तो लक्ष्मी विष्णु का पूजा किस मंत्र से होगा, ओम लक्ष्मीपति विष्णु कृपादाय नमः, ओम लक्ष्मीपति विष्णु कृपादाय नमः। इस मंत्र से आपकी पत्नी विष्णु का पूजा करेंगी और आपको जो मंत्र दिया उस मंत्र से आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और अगर मान के चलिए आप महिला साधक हैं तो आप लक्ष्मी की साधना करेंगी और आपके जो पति हैं वो विष्णु की साधना करेंगे, ठीक है। ऐसे सही यही रहता है कि जो मर्द हो वो लक्ष्मी की साधना करे। तो ये पहला चरण है, इस चरण में आप लक्ष्मी को माता के रूप में नहीं बल्कि उनका आवाहन कर रहे हो नरसिंह के की पत्नी के रूप में, ठीक है। तो वो पत्नी स्वरूप में आएंगी। उसके बाद कालांतर में हम लोग और तंत्र मंत्र और यंत्र करेंगे जिससे वो एक प्रेमिका के भाव से आपके घर में ठहर जाएगी। देखो अभी हम लोग पहला चरण में मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र का प्रयोग क्या होता है, मंत्र का प्रयोग निवेदन होता है, ये परफेक्शन लाने के लिए होता है। मतलब मंत्र से मैं आपको याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो लक्ष्मी को आप अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करोगी। लक्ष्मी बहुत चंचला है, आज आप बुलाओगे आपके पास, कल कोई और बुलाएगा तो उसके पास। इसीलिए इस मंत्र से 45 दिन में आप लक्ष्मी को अपने तरफ खींचोगे और विष्णु का के साथ में पूजा, इसलिए क्योंकि जहां विष्णु भी राजेंगे वहां लक्ष्मी की को आना मजबूरी हो जाएगा। दूसरे स्टेप में मैं यंत्र बताऊंगा। तो मंत्र, फिर आप यंत्र को सिद्ध करोगे। जब मंत्र और यंत्र मिलेगा तो फिर तंत्र चलेगा, और जब तंत्र चलेगा दीपावली की रात में, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ रुद्रनाथ जी ने ऐसा एक साधना बताया कि मुझे धन की अब कोई कमी नहीं रह गई है, ठीक है। तो दिवाली तक मान के चलिए हम लोग 7 साधनाएं करेंगे, सातों साधनाएं करेंगे, तो उसके बाद आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए स्क्रीन पे प्रचार आ रहा है मेरे किताब का, इससे मुझे धन आता है। हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पूरे विश्व में अमेजोन फ्लिपकार्ट या जितने भी ऑनलाइन साइट्स है सब पे ये मिलता है। अगर आपको मुझसे बात करना हो तो कॉल मी फॉर ऐप पे डाउनलोड करिए, ऐप स्टोर प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, ये पेड कॉल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही जरूरी है तो फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं देख रहा हूँ फिर से आप लोगों ने गैर जरूरी बातों के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग शुरू कर दिया है, मैं फिर से व्हाट्सएप बंद कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, माँ लक्ष्मी आप लोगों पे कृपा बरसाए, आदेश आदेश।